तो क्लास नेक्स्ट पर प्रैक्टिकल है हमारा रीडिस्ट्रीब्यूशन, कैसे आप एक राउटिंग प्रोटोकॉल को दूसरे किसी और राउटिंग प्रोटोकॉल के साथ जो कि रूट्स एडवर्टाइज कर रहा है उसके साथ कैसे आपने कनेक्ट करना है। जैसे कि एग्जांपल के तौर पे यहाँ पे हमारे पास कुछ कंपनीज हैं, मान के चलते हैं यहाँ पे हमारी एक कंपनी चल रही है, कोई भी कंपनी IBM या कोई एक और जो कि EIGRP प्रोटोकॉल यूज़ कर रही है अपने नेटवर्क में। दूसरी एक और कंपनी है जो कि डेल जो कि रिप जैसा कोई एक नेटवर्क यूज़ कर रही है प्रोटोकॉल। दूसरी तरफ कोई एक और कंपनी सॉलिटेयर या कोई भी, तो उसमें जो है हमारा OSPF राउटिंग प्रोटोकॉल चल रहा है। हमें क्या करना है, इन सारे राउटिंग प्रोटोकॉल्स को आपस में कनेक्ट करना है। तो आपस में कनेक्ट कराने के लिए हमें यहाँ पे एक ऐसा राउटर लगाना पड़ेगा जिसको हम रीडिस्ट्रीब्यूटर राउटर भी कह देते हैं, जो कि हमारे नेटवर्क में रीडिस्ट्रीब्यूट करवाएगा रूट्स को। हम लोग EIGRP के रूट से यहाँ पे सेंड कर देंगे, इस पे कन्फिगर कर देंगे, उसके बाद हम लोग रिप के भी रूट यहाँ पे सेंड कर देंगे और इसके भी रूट OSPF के भी रूट यहाँ पे पहुँचा देंगे। उसके बाद यहाँ पे शुरू होगी रीडिस्ट्रीब्यूशन, जो कि हम लोग क्या करेंगे, इसके सारे रूट इस दोनों राउटिंग प्रोटोकॉल के अंदर ऐड करेंगे और इसके सारे रूट इस राउटिंग प्रोटोकॉल्स में, यानी सारे के रूट एक दूसरे के अंदर ऐड कर देंगे। उसके बाद हम लोग क्या देख पाएंगे, हमारे ये नेटवर्क जो हैं वो यहाँ से लेकर के डायरेक्ट इन कंप्यूटर तक या फिर इन कंप्यूटर तक पिंग कर पाएंगे। तो रीडिस्ट्रीब्यूट करने का सिर्फ यही मोटिव होता है ताकि हम लोग दो राउटिंग प्रोटोकॉल्स को कनेक्ट कर सकें, चाहे फिर वो एक तरफ रिप चल रहा है या फिर OSPF या फिर कोई भी EIGRP या फिर उसके अलावा कोई एक और प्रोटोकॉल जैसे कि BGP या स्टैटिक राउटिंग, इन सभी को रिडिस्ट्रीब्यूट किया जा सकता है एक दूसरे में। या फिर अगर कई बार, अब मान के चलते हैं जैसे लास्ट टाइम मैंने आपको बताया कि EIGRP के अंदर जो एक ऑटोनोमस सिस्टम नंबर होता है वो एक ऐसा नंबर होता है जिसका अगर चेंज हो जाए जो आपस में फिर वो कनेक्ट नहीं हो सकते। लाइक यहाँ पे अगर ऑटोनोमस सिस्टम नंबर हमने 10 दे दिया, अब दूसरी तरफ एक और नेटवर्क है जो कि 11 ऑटोनोमस सिस्टम नंबर के ऊपर काम कर रहा है, तो इन दोनों ऑटोनोमस को अगर आपस में आपको कनेक्ट करना है तो सेंटर में एक राउटर लगाइए जिसके ऊपर जिसको दोनों से कनेक्ट कर दीजिए और इसमें इनेबल कीजिए रीडिस्ट्रीब्यूशन, जिससे क्या होगा, ये हमारे दोनों के दोनों ऑटोनोमस सिस्टम नंबर एक दूसरे से कनेक्ट हो पाएंगे। तो ये एक प्रोसेस है कभी भी जब आप लोग इसको कनेक्ट करना चाहो। नो डाउट इन सबका अपना अपना एक मैट्रिक्स होता है, हर एक राउटिंग प्रोटोकॉल का अपना एक मेथड है कोई भी रूट को डिसाइड किसी के रूट के तक पहुंचने का, उसका डिसीजन लेने का हर एक का अपना एक तरीका होता है। तो हमें उसके लिए क्या करना पड़ेगा, जो भी आप राउटिंग प्रोटोकॉल में खड़े हो, फॉर एग्जाम्पल मैंने क्या किया, मैं EIGRP राउटिंग प्रोटोकॉल में खड़ा हूं, मैं रिप के प्रोवाइड करा रहा हूं रूट, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, EIGRP में रिप के जो रूट आ रहे हैं उनकी मैट्रिक मैनुअली देनी पड़ेगी, यानी कि EIGRP का अकॉर्डिंग देनी पड़ेगी। अगर मैं रिप के रूट EIGRP में डाल रहा हूँ तो EIGRP में बताना पड़ेगा कि जो रिप से रूट आ रहे हैं वो तेरी मैट्रिक्स के अकॉर्डिंग इस तरह से हैं, मतलब उसमें खुद आपको टैप करना पड़ेगा और वही चीज आप OSPF के लिए करोगे और सेम चीज आपको रिप के लिए भी करनी पड़ेगी, यानी जिस भी राउटिंग प्रोटोकॉल को आप ऐड करोगे उसके जो मैट्रिक है उसको कैलकुलेट करके अपने अकॉर्डिंग डालना पड़ेगा। तो ये रिडिस्ट्रीब्यूशन का कंसेप्ट है जिसको हम लोग नेक्स्ट प्रैक्टिकल के अंदर अभी कंप्लीट करेंगे।